Hello everyone, in this lecture we will discuss about relational operators in C language. So let's start. So guys, फिर से एक नई source file create करते हैं सबसे पहले तो और start करते हैं. तो गाइस रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर को हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं. तो ये क्या करते हैं, ये रिलेशन डिफाइन करते हैं दो ऑपरेंड्स के बीच. डिफाइंस रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स. तो इफ रिलेशन इज सेटिस्फाइड देन इट जनरेट्स वन एज ट्रू वैल्यू, अदरवाइज इट जनरेट्स फॉल्स और जीरो. तो गाइस रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो कि डिफाइन करते हैं रिलेशन दो ऑपरेंड के बीच. अगर रिलेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो ये जनरेट करता है ट्रू, तो सी के अंदर जो ट्रू है वो ट्रीट होता है वन से, अदरवाइज ये जनरेट करते हैं फॉल्स. सी के अंदर जो फॉल्स है वो होता है जीरो, तो जीरो और वन पे काम करती है. वन का मतलब ट्रू और जीरो का मतलब फॉल्स. तो कौन कौन से ऑपरेटर्स है वो देखते हैं. पहले हमारे पास ऑपरेटर्स है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू. तो गाइस जैसे कि सीधा डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि जो लेस देन ऑपरेटर है, लेस देन जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो कंपेयर करेगा दो वैल्यूज को. जैसे कि मैंने वेरिएबल बनाया इंट सी, उसमें असाइन करवा दिया ए लेस देन बी, और ए और बी वेरिएबल बना लेते हैं. ए में असाइन की 10 और बी में मैंने असाइन कर दी 20. तो जो ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 20, तो 10 लेस देन 20 यहां पे क्या परफॉर्म होगा, 10 लेस देन 20. तो ये वैल्यू, ये जो रिलेशन है वो सेटिस्फाइड है, 10 जो है वो 20 से लेस है. तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू मतलब 1. तो सी में क्या असाइन हो जाएगा, 1. तो हम प्रिंट करा के देख लेते हैं, परसेंट डी कोमा सी, मैसेज दे देते हैं रिजल्ट इक्वल्स टू दिस, सेव करते हैं इसे रिलेशनल डॉट सी नाम से. तो कंपाइल करते हैं वापस, यहाँ पे एरर शो कर रहा है बी अनडिक्लेयर्ड. तो जब मैंने सेमीकोलन यूज कर लिया तो वो वहीं टर्मिनेट हो गया, तो वापस मैंने डेटा टाइप यूज किया नहीं. तो मैं यूज करता हूँ कोमा, मिस टाइप हो गया था गलती से. अब जब रन करते हैं तो रिजल्ट क्या शो कर रहा है, 1. तो 1 स्टोर हुआ था सी के अंदर, जिसे हमने डिस्प्ले करवा दिया. अब यही अगर मैं लेस देन की जगह यूज करूँ ग्रेटर देन, तो 10 ग्रेटर देन 20 ये बिल्कुल फॉल्स है, फॉल्स का मतलब जीरो. तो सी में क्या आ जाएगा, जीरो. उसे हम प्रिंट करा के देख लेते हैं, वैल्यू शो कर रहा है जीरो. ठीक है, अब सपोज मैंने दोनों की वैल्यू कर दी 10 एंड 10, और सी में ऑपरेटर मैंने चेंज किया, ऑपरेटर कर दिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू. तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है. तो 10 ग्रेटर देन, ये तो फॉल्स है, 10 10 से बड़ा तो नहीं है, लेकिन इक्वल्स टू ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है हमारी. तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 1, जो कि सी में स्टोर हो जाएगा, और उसे हम प्रिंट करा के देख लेंगे. तो वैल्यू शो कर रहा है 1. अब यही मैंने लेस देन इक्वल्स टू यूज किया होता तो भी कंडीशन ट्रू होती, फिर से रिजल्ट शो करता 1. अब फाइनली हम यूज करते हैं इक्वल्स टू का. सपोज मेरे पास अभी तो रिजल्ट 1 देगा, क्योंकि 10 इक्वल्स टू है 10 के.
यहां पर देखिए, इक्वल्स तो है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, और डबल इक्वल्स जो है इसका मतलब होता है हमारे पास इक्वल्स टू, जो कि रिलेशनल ऑपरेटर है। तो पहले राइट साइड की वैल्यू कंपेयर होगी, इसे हम पेरेंथिसिस के अंदर भी लिख सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो। तो पेरेंथिसिस जो है उसका प्रीसीजन हाई होता है, मतलब पेरेंथिसिस के अंदर जो वैल्यू वो पहले सोल्व होगी। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन राइट साइड के अंदर कुछ और वैल्यूज होती, अलग अलग हम सेपरेट कर रहे होते, तो हम यूज करते पेरेंथिसिस का, ताकि जो वैल्यू हमें, जो टास्क हमें पहले परफॉर्म करवाना है वो पहले परफॉर्म हो। तो यहाँ तो मैं डायरेक्ट भी यूज कर सकता था ए इक्वल्स टू बी, और पेरेंथिसिस के अंदर भी लिख सकता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे क्या टास्क परफॉर्म होगा, 10 इक्वल्स टू 20, जो कि कंडीशन फॉल्स है, तो सी के अंदर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 10 20 के इक्वल्स नहीं हो सकता, और उसे हमने प्रिंट करा के देखा है। तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, 0। अब सपोज मैंने लगा दिया नॉट इक्वल्स, बिना पेरेंथिस के भी चेक कर लेते अपन, तो जो 10 है वो 20 के इक्वल्स नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू का मतलब 1, 1 स्टोर हो जाएगा सी के अंदर, और सी को हमने प्रिंट करा रखा है। तो वापिस कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, तो रिजल्ट क्या दे रहा है मुझे, 1। इस तरह से जो ऑपरेटर से अलग अलग वैल्यूज पे हम परफॉर्म करवा सकते हैं, जैसे जरूरी नहीं हम इंटीजर वैल्यूज डालें, कुछ रियल वैल्यूज भी डाल सकते हैं, जैसे कि फ्लोट टाइप की मैंने एफ वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वैल्यू पड़ी है 3.2। अब इंटीजर टाइप की जो वैल्यू है, अब 1 और 0 ही स्टोर होगा, ओबियस सी बात है, रिजल्ट तो 1 और 0 की फॉर्म में आएगा, तो हम स्टोर कराएंगे उसे इंटीजर फॉर्म में। तो ए की वैल्यू पड़ी है 10 और एफ में पड़ा है 32, तो सी में मैं क्या डालता हूँ, एफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पे क्या टास्क परफॉर्म होगा, एफ की वैल्यू क्या है, 3.2, ऑपरेटर है मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और बी की वैल्यू है 20। तो 3.2 20 से बड़ा या बराबर है क्या, फॉल्स है कंडीशन, तो इसमें आएगा 0, 0 स्टोर हो जाएगा सी के अंदर। कंपाइल किया और रन करते हैं, तो ये शो कर रहा है 0। अब जरूरी नहीं है कि 1 और 0 आ रहा है तो मैं रिजल्ट इंटीजर में स्टोर करवा रहा हूँ, मैं काम करता हूँ इसे डबल टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। डबल टाइप का वेरिएबल है सी, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर मुझे यूज करना पड़ेगा %LF, C। अब रिजल्ट 0 आ रहा है, कंपाइल करते हैं रन करते हैं, तो रिजल्ट क्या शो कर रहा है, 0.6 × 0। तो अप्रोप्रिएट जो डेटा टाइप है उसके हिसाब से वो वैल्यू शो करता जाएगा। अब एक काम करते हैं, सपोज कैरेक्टर टाइप का मैंने सी बनाया, उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर करवा दी, तो अब 0 होगा कैरेक्टर टाइप के सी में स्टोर होगा, और कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है %C। कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, तो रिजल्ट क्या शो कर रहा है, ब्लैंक, क्योंकि 0 जिसका ASCII कोड होता है वो होता है नल का, तो नल ये शो नहीं कर रहा है। अब सपोज 1 आता मेरे पास, तो 1 के ऊपर जो अप्रोप्रिएट कैरेक्टर था वो ये शो कर देता, तो मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ लेस देन इक्वल्स टू ऑपरेटर का, तो ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी, मतलब 1 आ जाएगा। अब इसे मैं कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, तो जो 1 था, 1 जिस कैरेक्टर का ASCII कोड है वो ये शो कर रहा है, तो यहाँ पर जो भी कैरेक्टर था वो ये स्पेसिफाई कर रहा है यहाँ पे 1 के ऊपर जो होता है। ओके गाइज, तो ये थे हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि दो ऑपरेंड के बीच रिलेशन डिफाइन करते हैं। अगर कंडीशन या रिलेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो हमें रिजल्ट जनरेट करके देगा 1, अदरवाइज रिजल्ट जनरेट करके देगा मुझे 0। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, नेक्स्ट वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ अ न्यू ऑपरेटर। सो दैट्स इट फॉर नाउ।